खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। आज भी हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक और सरप्राइज़ आज हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आए हैं और आपको उस सरप्राइज़ को देख के बहुत खुशी होगी और उनके वसीले से जो बरकत मिलेगी उससे भी आपको बहुत खुशी होगी। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बहन को अपने साथ लेंगे, स्काइप पर लेंगर उनको अपने साथ, और वो बहन अमेरिका में रह रही हैं। उनका नाम समीना इनायत है और वो आज हमारे साथ खुदावंद के कलाम को बांटेंगी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और हो सकता है आज आपसे खुदावंद कलाम करना चाहता है इसी मौजू को लेकर। हो सकता है आप छानबीन कर रहे हों कि ये क्या है, कैसे मैं खुदावंद की खिदमत में भर सकता हूँ, कैसे खिदमत करने से मुझे क्या हासिल होगा। तो आज का ये प्रोग्राम का यही टॉपिक है कि खिदमत में बरकात, खिदमत के वसीले से, खिदमत करने के वसीले से आपको जो बरकात मिलती हैं आज हम उस पर बात करने को हैं। और ये हमारी बहन जो है समीना इनायत हैं वो हमारे साथ इसी से हमारे साथ कलाम को बांटेंगी कि जब आप खिदमत करते हैं, खुदावंद के खादमों की खिदमत करते हैं, तो आपको क्या बरकात मिलती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको इन प्रोग्राम के वसीले से बरकत मिल रही है, आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे आज के कलाम के वसीले से बरकत मिली, और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर किसी और मैसेज के वसीले से भी आपको बरकत मिली है, आप ज़रूर हमें बताएँ, अपनी गवाही को शेयर करें कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कैसे काम कर रहा है, कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के भी नंबर्स हमारे नीचे आ रहे हैं, आप उन पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। और कई दफ़ा हमारे पेज पे हमें मैसेज भी मिलते हैं लोगों के कोई इनक्रेजिंग लोग मैसेज करते हैं और इनबॉक्स में मैसेज सेंड करते हैं, अपनी गवाहियों को सेंड करते हैं, ऑडियो मैसेज आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं जानते तो आप हमें ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपके उन मैसेजेस को सुनकर, पढ़कर, और उनका जवाब भी हम देते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है आपके लिए जब हम दुआ करते हैं, हमारी टीम मिलकर जब आपके लिए दुआ करती है। आप खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपको फिर से औरत तक प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम अभी ये हिस्सा है कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, कलाम के हिस्से की तरफ बढ़ें, और कलाम में से आज हम सुनेंगे पाक रूह हमसे आज क्या बात करना चाह रहा है। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जिनको हमने स्काइप पर लिया है। बहुत ही अजीम खुदावंद की खादमा है वो, बिशप डॉक्टर नायत मुनव्वर हैं, और उनकी ये अहलिया हैं समीना है इनका नाम है, और ये खुदावंद की खिदमत करती हैं और पाकिस्तान में भी करती रहीं, और अभी इनको खुदावंद अमेरिका में भी इस्तेमाल कर रहा है और ये बढ़ चढ़ कर खुदावंद की खिदमत में शामिल हैं और करती रही हैं। इनके एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे, इनसे बातें भी करेंगे, इनकी गवाही है बहुत बड़ी ज़िंदगी में वो भी आज हम सुनेंगे। तो हम वेलकम करते हैं अपनी इस खूबसूरत बहन को जिनका नाम समीना है। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको सिस्टर समीना। थैंक यू गीता, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद उन सब सुनने वालों को बरकत दे जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उन सबको खुदावंद बरकत दे। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं सारे कामों के लिए जो वो करता है, और उसकी शुक्रगुजारी के साथ हम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो हमारा कलाम है वो है खुदावंद की बरकत और खुदावंद के खादमों के साथ रहना। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप लोग सब बरकत पाएंगे, और दुआ करती हूँ सबके लिए कि ये प्रोग्राम बाय से बरकत हो। तो हवाला है जिस कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब उसकी आठवीं आयत में लिखा हुआ है कि एक शनीम के रहने वाली औरत थी जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ बेटी गीता इस हवाले को हम सब के लिए पढ़ें ताकि हम इस हवाले से बरकत पाएं।
बिल्कुल, मैं इस हवाले को पढ़ती हूँ। दूसरा सलातीन चौथा बाप उसका और उसकी आठवीं से हम चौदहवीं आयत तक या उससे आगे भी हम कैरी ऑन रखेंगे। जैसे ही खुदावंद की हादमा जो है वो हमें कहेंगी हम उसको स्टॉप करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें, उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जिहाजी से कहा कि इस शनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई इसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शोहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाज़े पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। और उसने कहा, नहीं ऐ मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। थैंक यू बेटी गीता, आपने बहुत खूबसूरती से इस हवाला को पढ़ा। तो ये हवाला में जो आज हमने पढ़ा है कि खुदावंद के साथ खादमों के साथ रहना और खुदावंद के खादमों के साथ उनकी इज्जत करना और खुदावंद के खादमों की खिदमत करना, और इससे खुदावंद बरकत देता है। क्योंकि बरकत लेने के बहुत सारे ज़रिए हैं कि हम खुदावंद से बरकत ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बरकत लेने का ये ज़रिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दिलों को खुदावंद के लिए खोलें और अपने घरों को खुदावंद के लिए खोलें। जैसे इस बंदी ने खुदावंद के खादम के लिए अपने घर को खोला, और जब भी उस आता तो वो उसके घर में खाना खाने के लिए जाता, तो उसके दिल में ये खुदावंद ने डाला कि क्यों ना मैं इसके रहने के लिए जगह बनाऊं ताकि ये खादम हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारे। तो खुदावंद ने उसके लिए एक प्लान बना रखा था जो खुदावंद के खादम के ज़रिए खुदावंद ने उस बंदी को दिया, ताकि वो इतनी देर से बेऔलाद थी, उसके पास कोई औलाद ना थी, उसका खावंद भी बूढ़ा था, लेकिन उसने कहा कि हम इसके लिए दुआ करेंगे और खुदा ने उस खादम के वसीला से उस शनीम की औरत को बरकत दी। तो आज जब हम खुदावंद से बरकत लेनी है तो खुदावंद के खादमों के साथ हमें रहने की ज़रूरत है, उनको अपने घरों में उतारने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर उस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है जो कि खुदा के कलाम में फरमाया गया, जो कि खुदावंद के कलाम में लिखा गया। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो सब कुछ हमें बता देता है, जो कुछ हमने खुदावंद से मांगा है उसके लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए, बेटी गीता के लिए, और जो खुदावंद के कलाम को आप सब तक पहुंचाती हैं। आज मुझे भी खुदावंद ने मौका दिया है ताकि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं और आप लोगों के साथ रफाकत रख सकूं और इस बरकत को हम सब बांट सकें और शेयर कर सकें जो खुदावंद ने हमें इस दुनिया में रहते हुए दे रखे हैं। और उसने अपने खावंद से किस तरह से उसने अपने खावंद के साथ बात की कि क्यों ना हम इसके लिए एक कमरा अपनी दीवार पर बना दें, और उसके खावंद को भी ये अच्छी बात लगी कि खुदावंद का खादम हमारे घर में आता है तो हम इसके लिए ज़रूर ही ऐसा करेंगे। आमीन, प्रेज गॉड।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन समीना, हम फिर मिलेंगे आपसे और ज़्यादा कलाम को सुनेंगे, आपकी गवाही को भी सुनेंगे हम मिलकर। अभी हम जल्द वापस आते हैं। के कलाम को और ज़्यादा सुनते हैं जो इस बहन के दिल में है, जो सिस्टर समीना इनायत के दिल में है। आए हम मिलकर और सुनते हैं इस कलाम को। जी सिस्टर जी, मैं ये बता रही थी आपको इस कलाम के बारे में कि खुदावंद ने उस बंदी को, उसकी ज़रूरत को पूरा किया। जी जी। और आप सब जानते हैं कि जैसे खुदावंद के पाकिस्तान में, जब हम रहते थे पाकिस्तान में, और मेरे दिल में ये बहुत ख्वाहिश थी और मैं खुदावंद से दुआ करती थी कि खुदावंद खुदा अपने खादमों को इस घर में ला ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद की कि खुदावंद वहां पर इतने खादमों को लेकर आता था कि मैं उनकी सारा दिन खिदमत करती थी और बहुत बरकत मिलती थी उनके साथ रफाकत रखने से, दुआ करने से, उनकी खिदमत करने से बहुत बरकत मिलती थी। और यहाँ पर भी मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद के खादमों के साथ रहने का और खुदावंद के खादमों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है यूएसए में भी, और बहुत बरकत मिलती है। और ये मैं सब बहनों के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सब अपने खुदावंद का, जब आपको खुदावंद ने घर दिए हैं तो अपने घरों में खुदावंद के खादमों को उतारें
और उनके साथ रहें, उनके साथ रफाकत रखें। खुदा आपकी सब जरूरतों को जानता है कि आपको क्या जरूरत है। लेकिन जब खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है, जब खुदावंद के लोग आपके घर में आते हैं, तो खुदावंद आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। खुदावंद खुदा सारे आसमान और जमीन की बरकत अपने लोगों के जरिए से अपने लोगों को बांट देता है, क्योंकि हम शुक्र गुजार हैं खुदावंद के कि हमारा खुदा सुनता है और हमारा खुदा दुआओं का जवाब देता है। जब हम कहते हैं कि खादम पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, तो खुदा उन दुआओं को सुनता है। अब यकीन से खुदावंद के पास आए, ईमान से खुदावंद के पास आए, तो खुदावंद आप खुदावंद से ईमान से मांगे तो ईमान वो देने की कुदरत रखता है। आमीन। सिस्टर जी, मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी जो है मौजों से भरी हुई है, तो क्या कोई ऐसा मौजा आप जो है वो शेयर करना चाहती हैं सारे देखने वाली बहनों के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ जो अभी हमें देख रहे हैं? कोई ऐसी गवाही है आपकी ज़िंदगी में जो आप बांटना चाहती हैं, जो बहुत स्ट्रांग है और जिससे खुदावंद के नाम को आप जलाल देना चाहती हैं? ज़रूर मैं बांटूंगी, क्योंकि खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मेरी तो ज़िंदगी एक बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि हमारे दिल जो खुदावंद हमारे लिए काम करता है, मैं सारी बहनों से और बेटियों से जो आज वो देख रही हैं इस प्रोग्राम को, उनको मैं ज़रूर ये बताऊंगी कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे अजीब काम किए हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम USA में आए, तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि मैं एक पेशेंट के साथ काम करती थी, एक मरीज के साथ। तो जब वो मेरा मरीज फौत हो गया, तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो अब क्या करेंगी। तो लेकिन जब मैंने खुदा के खादमों से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये ज़रूरत है, क्योंकि अपनी ज़रूरत को खुदा के खादमों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। जैसे कि गीता ने और जबरान ने, बहुत सारे खादमों ने दुआ की, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आसमान के दरवाजे खोल कर मुझे इतनी अच्छी मुझे काम दिया, इतनी अच्छी मुझे जॉब दी है कि मैं बहुत खुश हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि हमारा खुदा अजीम है और खुदा ने मुझे और मेरे साथी को बहुत बरकत दे रखी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ा मौजज़ा है कि अब तक हम जिंदा हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सिस्टर जी, मुझे याद है एक आपने बहुत ही स्ट्रांग अपनी टेस्टिमनी जो थी वो एक दफ़ा मेरे साथ बांटी और मुझे उससे बहुत बरकत मिली। क्या वो बताना चाहती हैं कि आपकी जब बहन की बेटी जो है वो गर्म पानी में गिर गई, तो क्या हुआ उसके साथ, जो मौजज़ा उसके साथ हुआ, क्या वो शेयर करना चाहती हैं? ज़रूर ज़रूर मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, फैसलाबाद में उसकी शादी हुई है जी। उसकी बेटी 3 साल की थी, उसका नाम रोहा था जी। और वो खेलते खेलते बहुत गर्म पानी था जिसमें वो गिर गई, और उसकी बैक साइड थी वो बिल्कुल बर्न हो गई थी, बिल्कुल वो बर्न हो गई थी। तो जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डेलाइट हॉस्पिटल में वो 3 माह वहां पर दाखिल रही, और डॉक्टरों ने कहा कि ये बेटी तो इसका तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसकी बैक साइड बर्न हो गई हैं, तो उसकी पूरी स्किन उतर गई थी और उसकी नीचे से जो हड्डियां बोन थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन हम खुदावंद के सामने रोज़े में ठहरते और दुआ करते, मेरी सिस्टर और मेरी फैमिली और मेरी सारी बहनें, हम मिलकर खुदावंद के खादमों से दरख्वास्त की और दुआ की, और खुदावंद ने बहुत बड़ा ये मौजज़ा उस बेटी की ज़िंदगी में किया। वह तब वो 3 साल की थी, अब खुदा का शुक्र है कि वो 14 साल की है और अब वो हाई स्कूल में जा रही है। खुदा ने उसकी ज़िंदगी, और उस बेटी का बहुत ईमान था कि मेरा खुदा मुझे शफा देगा। जब हम मिलकर दुआ करते तो हम रोते थे, तो वो कहती थी मामा आप ना रो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे लिए मौजज़ा करना है। तो जब माँ बाप का ईमान होता है
तथा बच्चों का ईमान माँ बाप को देखकर बढ़ता है। बेटियों का, बेटों का, छोटे बच्चे जब माँ बाप को दुआ करते देखते हैं, कलाम पढ़ते देखते हैं, तो बच्चों की बहुत बड़ा ईमान बढ़ता है कि खुदा हमारे माँ बाप के लिए ये करता और वही खुदा हमारे लिए भी ये करेगा। बिल्कुल, आमीन। सिस्टर जी, क्या आप बांटना चाहेंगी, अब दुआ करना चाहेंगी उन सारी बहनों के लिए जो अभी हमें देख रही हैं? हो सकता है वो भी इस कश्मकश में हैं, या हो सकता है वो खिदमत में भरना चाहती हैं और ज़्यादा, और जैसे आपने मौजे अपनी ज़िंदगी में शेयर किए, वो भी इसी उम्मीद में है कि हमारे साथ भी ऐसा ही मौजा हो। क्या आप उनके लिए दुआ करना चाहती हैं? ज़रूर मैं दुआ करूँगी, और मैं ज़रूर बहनों को ये पैगाम दूँगी कि आप खुदावंद पर ईमान रखें जी, और खुदावंद के खात्मों के साथ अपने तल्लक को कायम करें और उनको अपने घर में उतारें। खुदावंद आपकी ज़रूरतों को जानता है और वो आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। तो आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मसीह में हमारे बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, आपने ये मौका बख्शा कि हम इन सब बहनों के साथ मिलकर आपके कलाम को सीख सकें और इन सब बहनों के साथ मिलकर अपनी गवाही को शेयर कर सकें और दुआ कर सकें। जो बहनें खुदावंद खुदा आज किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, किसी परेशानी का वो शिकार है, तो उनको खुदावंद हम तेरे पास लाते हैं और आपकी मिन्नत करते हैं कि जिस तरह से तूने हमारी जिंदगियों से परेशानियों को दूर किया, मेरी जिंदगी से, मेरी भांजी रोहा की जिंदगी से परेशानी को दूर किया, और उसी तरह आज इन बेटियों और इन बहनों की जिंदगियों से हर परेशानी को दूर कर, क्योंकि परेशानी का हल आपके पास है और सिर्फ जरूरत है हम आपके पास आए और आपसे कहें कि खुदावंद खुदा मेरी इस मुश्किल परेशानी को दूर करो, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई और नहीं जो कि हमारी दुआओं को सुने। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, वो देखता भी है, छूता भी है, प्यार भी करता है, वो सुनता भी है, क्योंकि वो रहम दिल खुदावंद है। वो अपने रहम से हर बहन की ज़रूरत को जानता है, हर बेटी की ज़रूरत को जानता है, और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद हर बेटी और हर बहन की ज़रूरत को आज पूरा करे। वो सब बहनें जो इस देख रही हैं, इस मैसेज को सुन रही हैं, और वो सारे खुदावंद उनको मौजज़ात के वसीला से नवाजे और खुदावंद खुदा के नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, हमें बहुत बरकत मिली आज के इस कलाम के वसीले से, आपकी गवाहियों के वसीले से। और मैं जानती हूँ और बहुत सारी आपकी गवाहियाँ हैं ज़िंदगी में जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए हैं, और खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे आपके साथ, और ज़्यादा आपकी बातों के वसीले से, आपके तजर्बे के वसीले से, और आपकी ज़िंदगी में जो खुदावंद ने मौजज़ात किए हैं उनके वसीले से हम बरकत पाएंगे। लेकिन आज के लिए हमें इजाज़त दें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कलाम शेयर किया, और अब हमने जाना है कि हमें और ज़्यादा हमें खुदावंद के खादमों की खिदमत करनी है और अपनी बरकात को लेना है। खुदावंद की खादमों की जब हम खिदमत करेंगे तो उन बरकात को हम लेंगे जो खुदावंद हमें देने को है। बहुत बिल्कुल ठीक है गीता बेटे, ये बिल्कुल ठीक है, जब आप अपने घर में खुदावंद के खादमों को उतारते हैं तो खुदावंद घर में खादमों को उतारने के वसीला से उसी घर के लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हाफिज़, बाय बाय, बाय। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल www@kenneltonasia.com और फ़ोन नंबर 0046705819455।
खुदावंद आप सबके साथ हो। आज के इस कलाम के वसीले से मुझे बहुत बरकत मिली और मेरा ईमान है कि आपको भी इस बहन की बातों के वसीले से बहुत बरकत मिली होगी, उनके कलाम के इस बांटने को के वसीले से आपको बरकत मिली होगी। और हमने सीखा आज के इस कलाम के वसीले से, हमने सीखा कि जो शोनीमी औरत है वो जब उसने खुदा के खादम की अलीशा नबी की खिदमत की, उसने भी मौजज़ात को पाया, उसने दिल से खिदमत की। जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी इस हवाले में वो ये थी कि उसने दिल से खिदमत की, उसने ये नहीं सोचा कि मैं ये खुदा का बंदा है, मैं इससे पहले दुआ करवा लूँ, पहले मैं इसको कहूँ कि मेरी ये दुआएँ हैं मैं नजाते हैं और तब मैं फिर इसके लिए कुछ करूँ, तब मैं इसके लिए हदिया गुजरानूँ, तब मैं इसके लिए जो है एक कमरा तैयार करवाऊँ, एक कोठरी तैयार करवाऊँ। उसने ऐसा नहीं किया। शुनीमी औरत ने पहले कदम बढ़ाया, बरकत का जो कदम था उसने देने के लिए हाथ बढ़ाया पहले कि मैं खुदावंद के खादम को। उसने कलाम हमें नज़र आता है, उसने कहा कि ये मुझे खुदावंद का खादम मालूम होता है, ये खुदावंद का मुकद्दस मालूम मुझे होता है, क्योंकि खुदावंद के जो खादम होते हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि ये वाकई खुदावंद का खादम है और आप फिर उसकी खिदमत करना चाहते हैं। और जो खिदमत दिल से होती है वो ज़रूर बरकत का बायस होती है। जैसे कलाम में लिखा है कि जो काम करो दिल से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो खुदावंद के जो खादम की हम खिदमत करते हैं वो हम खुदा की खिदमत ही करते हैं और उसी से हमें बरकत भी मिलते हैं। इसी तरह जैसे इस शुनीमी औरत ने खुदावंद के खादम की अलीशा नबी की खिदमत की और उसने इतनी बरकत को पाया, पहले उसने इस मौजे को पाया कि वो प्रेग्नेंट हुई, उसको खुदावंद ने बहुत खूबसूरत बेटा दिया, उसको खुदावंद ने बेटे जैसी बरकत दी, और दूसरा मौजा भी हुआ जब उसके बेटे को ज़िंदा किया अलीशा नबी ने। तो जब हम देखते हैं कि जब उसने ये खिदमत की, उसने बिला किसी लालच के ये खिदमत की, इवन कि वो उम्र रसीदा हो चुका था, उसका शोहर जो था वो बूढ़ा हो चुका था, वो ज़ईफ़ था आदमी, लेकिन फिर भी खुदावंद से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावंद ने उसको बरकत दी, जैसा अलीशा नबी ने कहा कि मौसम बहार में तेरी गोद में बेटा होगा, तो ऐसा ही हुआ कि मौसम बहार में उसके बेटा हुआ, उसकी औलाद हुई और वो बाबरकत हुई। तो आज हमें भी मेरी बहनों, हमें ये खुदावंद के खादमों की खिदमत करने की ज़रूरत है। किसी के अगेंस्ट ना बोलें, किसी के ख़िलाफ़ ना बोलें, बल्कि यही बोलें कि सब जो खादम हैं वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि खुदावंद जो है वो उनको किस तरह इस्तेमाल करा, खुदावंद उनको वो तोड़ा दिया हुआ है और खुदावंद को उन खादमों की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें उन खादमों की ज़रूरत नहीं होती, हम कहते हैं कि नहीं इस खादम में ये भी कमी है, ये भी कमी है, हम जिस्मानी तौर पर खादमों में ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन खुदा जो है वो अपने बंदों को बहुत प्यार करता है, अपने खादमों को बहुत प्यार करता है, वो उनकी वो खुदा की आँख की पुतली के बराबर हैं और जो खुदा की आँख की पुतली को छेड़ता है वो खुदावंद उसको पसंद नहीं आता, खुदावंद को वो पसंद नहीं आता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद के खादमों की खिदमत करें, पॉजिटिव बोलें, अच्छे लफ्ज़ बोलें, प्यार करें एक दूसरे को, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत करो, हम खादमों की खिदमत करें। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीले से, आज के इस प्रस्तुति के वसीले से जो हमने गीत देखा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, औरत से औरत तक में।